हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, मैथ्स इन्फिनिटी पे, जिसके अंदर मैं देता हूं आपको खूबसूरत कंटेंट मैथमेटिक्स से रिलेटेड। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को प्रिपेयर कराता हूं एनडीए मैथमेटिक्स जेई मेन एंड एडवांस के लिए, और बहुत सारे बच्चे कई बार व्हाट्सएप पे मुझे या टेलीग्राम ग्रुप्स पे मैसेज भेजते हैं कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए प्लीज़, मेरा डाउट है। टाइम थोड़ा सा कम होता है, लेकिन जब भी मेरे पास टाइम होता है तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि बच्चों को वो डाउट्स मैं अपने यूट्यूब चैनल पे करवा पाऊँ। तो एक बहुत ही अच्छा डाउट मैं आज लेके आया हूँ। एक मेरा स्टूडेंट है जो निरंतर मुझसे डाउट्स पूछता ही रहता है, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उसके डाउट्स को मैं सॉल्व कर पाऊँ, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे डाउट्स पूछता है। तो एक ठीक सा सवाल उसने पूछा है, इनइक्वालिटी और मॉडुलस से कनेक्टेड टॉपिक है। तो आई थॉट कि आप लोगों को भी पता चलना चाहिए कि किस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने वाला हूं ग्राफ से। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या माल मसाला है जिसको निकाल के आपको कुछ अच्छी चीज मैं सिखा पाऊं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं इक्वालिटी और इनइक्वालिटी के, जिनको ग्राफ से सॉल्व किया जा सकता है। यहां पे इस क्वेश्चन में एक मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस ऑफ 2x-3, ये लेस देन कह रहा है मॉडुलस ऑफ x+2। कह रहा है कि x की वो वैल्यूज बताइए सॉल्यूशन सेट ऑफ द इन इक्वेशन जब ये वाला जो मॉडुलस है इस वाले मॉडुलस से छोटा हो, इस मॉडुलस की वैल्यू इस मॉडुलस की वैल्यू से छोटी हो। तो अगर आप ग्राफ से इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो आपको इन दोनों का ग्राफ बनाना पड़ेगा सेम ही सिस्टम में, और आपको देखना पड़ेगा कि मॉडुलस ऑफ 2x-3 का ग्राफ कब नीचे है मॉडुलस ऑफ x+2 के ग्राफ से। अगर आपने ये पता लगा लिया तो समझ लीजिए x की वैल्यूज आ गई। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि हम अगर इसका ग्राफ बनाएं मॉडुलस ऑफ 2x-3 का, जो बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। और ऐसे फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए आपको करना क्या होता है, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, ये पता लगाइए ये जीरो का बन रहा है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि ग्राफ एक्स को किस पॉइंट पे छुएगा, एक्स को ये ग्राफ कहाँ कट करेगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये मॉडुलस कहाँ जीरो बन रहा है, किस एक्स पे जीरो बन रहा है, ये बन रहा है 3/2 पे। तो आप इसका अगर ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ आपको पेन रखना होगा 3/2 पे, दिस इज 1 दिस इज 2, तो 3/2 हम यहाँ ले लेते हैं, 3/2 पे पेन रखना होगा, और यहाँ से आपको दो लाइनें इस तरह से ड्रॉ करनी है। तो लाइनें जब आप ड्रॉ करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना होता है कि वो लाइन जो है उसका स्लोप क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो एक्स के आगे कोफिशियंट दिख रहा है आपको, इससे हमें ये पता चलता है कि ग्राफ जो लाइन बनेगी वो कितनी इंक्लाइंड होगी पॉजिटिव एक्स के साथ। तो अगर x के आगे अगर आप कॉफिशियंट देख रहे हैं, अगर ये कॉफिशियंट 1 है तो समझ लीजिए लाइन जो होगी 45 डिग्री एंगल बनाएगी, क्योंकि x का जो कॉफिशियंट है उसी को आप स्लोप मान लेंगे और tan थीटा के इक्वल रख देंगे। अगर ये x का कॉफिशियंट 1 होता तो tan थीटा को अगर आप 1 के इक्वल रखते तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती। लेकिन यहां पर जो x का कॉफिशियंट है वो 2 है, तो जब आप tan थीटा को 2 के इक्वल रखते हैं तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो 60 डिग्री से अबव रहेगी। याद रखिए tan x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है जिसमें अगर आप इनपुट को बढ़ाते हैं तो आउटपुट बढ़ेगी। तो tan x इक्वल टू 2, 45 डिग्री से बड़ा एंगल होगा, इवन 60 डिग्री से भी बड़ा एंगल होगा। तो ये थोड़ा सा आप एंगल को थोड़ा सा इंक्लाइन 60 डिग्री से बड़ा करके करेंगे। तो ये इसका ग्राफ हो गया किसका, मॉडुलस ऑफ 2x-3 का। अब इसी तरीके से आप ग्राफ बनाएंगे मॉडुलस ऑफ x+2 का। जब आप मॉडुलस ऑफ x+2 का ग्राफ बनाएंगे तो x का कोफिशिएंट 1 है तो 45 डिग्री पे लाइन इंक्लाइंड होगी, और ये 0 का बन रहा है -2 पे तो -2 पे पेन रखेंगे। अब ये लाइन 45 डिग्री पे इंक्लाइंड करनी पड़ेगी आपको ऐसे, तो इस तरीके से ये आप कह सकते हैं कि लाइन बन जाएगी। थोड़ा सा दोबारा बनाऊंगा मैं, एक बार देखिए। ठीक है, 45 डिग्री पे मैंने लाइन को बनाया है। तो यहां पे अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सबसे पहले ये दोनों के दोनों निकालने पड़ेंगे। ये पहला पॉइंट रहेगा हमारा,
क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही एक ऐसा पॉइंट होता है जब दो कर्व काटते हैं जिसके बाद और पहले कर्व ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो हमें इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालना हमारे लिए बहुत जरूरी होगा। और दो कर्व अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनको कहाँ कट कर रहे हैं उनको निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों कर्व को सॉल्व करना होगा। वाई की वैल्यू उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ या इसकी वैल्यू उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, तो 2x-3 का मॉडुलस इक्वल टू मॉड में x+2। यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ, मॉडुलस को मैं प्लस माइनस साइन से ओपन करने वाला हूँ। तो जैसे ही आप 2x-3 प्लस माइनस साइन से ओपन करेंगे तो x+2। अब यहाँ पे एक बार आप बेटा प्लस साइन यूज करेंगे 2x-3 इक्वल टू x+2, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5। और एक बार आप माइनस साइन यूज कर रहे हैं तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 1/3। तो दिस इज 1/3 एंड दिस इज 5, राइट। नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली पता लगा सकते हैं कि ये जो ग्राफ है मॉड ऑफ 2x-3 ये इससे इसके नीचे कब है, ठीक है ना। जब जब ग्राफ नीचे होगा इसके ग्राफ से तब तक वैल्यूज छोटी रहेंगी। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी एंड विल चेक टू इन्फिनिटी कि कब कौन सा ग्राफ बड़ा है कौन सा छोटा है। तो देखिए ये जो ग्राफ है ये वाली जो लाइन जा रही है ये लाइन है किसकी, मॉड में 2x-3 की, और ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको ये मॉड x+2 का ग्राफ है। तो आई एम गोइंग टू चेक माइनस इन्फिनिटी से पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1/3, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं चेक करूंगा कि कौन सा ग्राफ ऊपर है कौन सा नीचे है, किसकी वैल्यू बड़ी है। तो देखिए आप मुझे बताइए माइनस इन्फिनिटी से लेके अगर मैं 1/3 तक चेक करता हूँ मेरे दोस्त, तो कौन सा ग्राफ ऊपर है, मॉड में 2x-3 ऊपर है या मॉड में x+2 ऊपर है। ये ग्राफ ऊपर है, तो ये ग्राफ ऊपर है तो मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके 1/3 तक इसकी वैल्यू जो है बड़ी है, हमें बड़ी नहीं चाहिए वैल्यू, हमें छोटी चाहिए वैल्यू, हमें लेस देन चाहिए। तो भाई ये वैल्यूज जो हैं इनको मना कर दो, ये वैल्यूज को डालने पे तो मॉड में 2x-3 बड़ा हो रहा है मॉड में x+2 से, हमें मॉड में 2x-3 को छोटा रखना है, हमें ग्राफ को नीचे रखना है मॉड x+2 के ग्राफ से। अब देखते हैं 1/3 से लेके 5 नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में कौन ऊपर है कौन नीचे है। तो देखिए इसी पोर्शन में देखिए बस कौन सा ग्राफ ऊपर है, मॉड में x+2 ऊपर है, और ये जो ये वाली जो ग्राफ है v दिख रहा है आपको ये मॉड में 2x-3 है, ये नीचे है, मतलब मॉड में 2x-3 की वैल्यू छोटी है, मतलब यही वैल्यूज हैं जो हमें लेनी है। इसमें मैं राइट मार देता हूँ, ठीक है, ये हमारा आंसर है 1/3 से 5, बी इज आंसर। लेकिन आगे भी मैं बताना चाहता हूँ कि आगे अगर मैं 5 से लेके इन्फिनिटी तक जाता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। 5 से लेके इन्फिनिटी तक फिर से कौन सा ग्राफ ऊपर आ गया, मॉड में 2x-3, और कहाँ कौन नीचे है मॉड में x+2, मतलब मॉड में 2x-3 फिर से बड़ा हो गया मॉड में x+2 की वैल्यू से, मतलब 5 से इन्फिनिटी। इनको भी नहीं लेना तो क्रॉस कर दिया। हमें कौन सी वैल्यूज लेनी है, हमें लेनी है 1/3 से 5, तो ये इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों ग्राफ एक दूसरे को दो जगह पे कट कर रहे हैं, उसका रीजन है क्योंकि यहाँ पे x का कॉफिशियंट 1 है और यहाँ पे x का कॉफिशियंट 2 है। एक लाइन जो है 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है, दूसरी लाइन 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, जिसकी वजह से किया है कि ये लाइन इसके पैरेलल नहीं हुई। अगर ये भी कॉफिशियंट सेम होते तो ये लाइनें पैरेलल होती, मान लेते कॉफिशियंट सेम होते तो उस केस में ये एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे काटता, ये लाइनें एक ही जगह पे काटती क्योंकि पैरेलल हो जाती, स्लोप सेम हो जाता। जब भी एक्स का कॉफिशियंट डिफरेंट डिफरेंट होता है तो समझ लीजिए इन दोनों के जब ग्राफ बनेंगे मॉडुलस के तो वो दो डिफरेंट जगह पे काटेंगे, और कंपैरिजन करना उसके बाद मुश्किल नहीं है, और इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालना मुश्किल नहीं है। एक वाई की वैल्यू दूसरी जगह रख देंगे, मॉडुलस की बेसिक प्रॉपर्टी है, आप प्लस माइनस से ओपन करिए डायरेक्ट और एक्स की वैल्यूज निकाल लीजिए, आपको इजिली पता चल जाएगा उसके बाद। तो कंपैरिजन है, ग्राफ ऊपर नीचे देखना है। अगर आपको वीडियो जबरदस्त लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसी तरह से मैं आप लोगों के अच्छे डाउट्स लाता रहूंगा तुम्हारे सामने। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बढ़िया से डाउट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।